गोरा संजय सिंह के आज हरेंद्र यादव ने राजेश के पक्ष की आवाज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय बिना सबूत के विपक्षी नेताओं के ऊपर छापा मारकर परेशान कर रहे हैं। महानगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी संसदीय चुनाव में अपनी हार को देखते हुए बौखला गई है। हमेशा सरकार को कमजोर जनता भी अपना मन बना चुकी है। मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुकी है। पॉलिटिकल पार्टीज आज सरकार में इसलिए हैं क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया था, क्योंकि 10 साल में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया, 100 स्मार्ट सिटीज नहीं बने। और अगर हम याद करें 2014 वादा तो ये किया था कि नए शहर बनाएंगे, ना नए शहर बने, ना स्मार्ट सिटीज बने, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बिजली का बिल महंगा है, और जिस कदर बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के, बड़ी बड़ी मीट की गई थी, क्या हासिल हुआ? जब कोई चीज हासिल नहीं हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए सरकार में लेकर के, कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा? एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो जमीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रह करके ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। क्या लगता है बीइंग इन अलायंस आप सब साथ हैं, किस तरह से इसका आप लोग विरोध करेंगे और क्या लगता है अभी आप कह रहे हैं? देखिए अभी हमारा विरोध जैसे जिस स्तर पे जहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब विरोध कर रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं उन्होंने सब ने कहा ये गलत हुआ है। न केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं लेकिन बीजेपी के अंदर बैठे हुए नेता बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है क्योंकि कल उन्हें वोट मांगने जाना है। इन बातों का जवाब कैसे जनता में दिया जाएगा? ये बीजेपी के खुद के नेता इस बात को सोच रहे हैं। एक और सरकार ने उसको कर दिखाया है, जो डेटा था वो सामने आया।